बचपन से ही ये सपना देखते थे कि हम एक डॉक्टर बन जाएं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ जाएं। तो डॉक्टर नहीं बन पाए क्योंकि हम ऐसे ज़िले से हैं जहां लड़कियों को बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं है। भिंड ज़िले में वहां दस्यु समस्या बहुत होती थी, लड़कियों का वहां सेक्स रेशियो भी बहुत कम है, तो निकलना, उनका जन्म लेना एक बहुत ही अनोखी बात होती थी, और फिर ऐसे में पढ़ाई कराना तो माता पिता के लिए बड़ा मुश्किल होता था। इस आंदोलन में हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो एक निश्चित मानदेय किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जितना काम उतना दाम होना चाहिए। 2007 में हम लोगों की नियुक्ति हुई, उस समय दूध या सब्जी का जो दाम था आज वो तिगुना और चौगुना हो चुका है, लेकिन हमारा जो मानदेय है, जो हमारा प्रेरक राशि है, वो वहीं की वहीं है। एक आशा को काम मिलता है प्रोत्साहन राशि के रूप में, और वही प्रोत्साहन राशि ही समझ के आशा सहयोगी को भी दिया जाता है। आशा को मिलता है एक प्रसव पर, जब से वो गर्भवती होती है महिला तब से लेकर के उसका स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव होने तक पूरा ANC के चारों जांचें, दोनों टीकाकरण होने के बाद में उसको 600 रुपये दिया जाता है। और उसके बाद में शिशु जब पैदा होता है, तो जब जिस दिन से वो पैदा होता है 0 से लेकर के 42 दिन तक, तो अगर वो घर में प्रसव हुआ है तो 7 विजिट आशा को करने पड़ते हैं, और अगर संस्था में प्रसव हुआ है तो उसकी 6 विजिट करनी पड़ती हैं। उन विजिट में देखना पड़ता है कि इसके सही समय पर टीकाकरण हो रहे हैं कि नहीं, तापमान नियंत्रित है कि नहीं, वजन इसका लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। तो 0 से लेकर 42 दिन तक 7 भ्रमण करने के बाद या 6 भ्रमण करने के बाद आशा को 250 रुपये मिलते हैं। इसी तरह मलेरिया की स्लाइड है, एक स्लाइड बनाने पर 15 रुपये। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य की देखरेख करते हुए यदि आशा या आशा सहयोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे किसी प्रकार के रेस्ट के लिए छुट्टी की सुविधा हो। बीच बीच में हमें अपने काम के अलावा पार्टीगत राजनीतिक कोई कार्य होता है, जैसे कि अभी एकात्म यात्रा निकली थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आशा लोगों को बुलाया गया, क्यों, क्योंकि भीड़ बढ़ानी है। जैसे अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो आशा लोगों को, और बुलाने के साथ साथ में एक हम लोगों के लिए एक आदेश होता है कि बगैर यूनिफॉर्म के आना है, नहीं आएंगे तो निकाल दिया जाएगा। तो हम लोगों ने बैठ करके एक मीटिंग करी 8 मार्च को, शासन को ये अल्टीमेटम भी दिया कि हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं करी गई तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। बहुत जगह बहुत नेताओं से, प्रतिनिधियों से मिलते रहे, अधिकारियों से मिलते रहे, कहीं कुछ समझ में नहीं आया। 21 अप्रैल 2018 से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, हमारी भी तबीयत ख़राब हुई, फिर हम भी ICU में एडमिट हुए। तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, तो उस समय वो आए, उन्होंने ये कहा कि मुझे CM साहब ने भेजा है और मैं 7 दिन के अंदर अंदर तुम लोगों की मीटिंग CM साहब के साथ तय करता हूँ। July 28 में हमारे यहाँ भिंड ज़िले में आई, और उस जन आशीर्वाद यात्रा में CM साहब थे, तो हमने खुद उनसे मुलाकात करी। जब मुलाकात करी तो उनका ये कहना था कि मैं केंद्र सरकार से बात करता हूँ, तो केंद्र सरकार से बात करता हूँ जब उन्होंने ये कहा, तो हम सभी का ये कहना था कि केंद्र सरकार से बात आप अब क्यों करते हैं, आपको पहले करनी चाहिए थी। फिर दोबारा अभी 14 अगस्त में जब दोबारा CM साहब का आना हुआ, तो उन्होंने ये कहा मैं अभी केंद्र सरकार से बात कर ही रहा हूँ। हम आशा वर्कर हैं, आशा वर्कर की लड़ाई चल रही है, तो एक आशा वर्कर को आगे आना चाहिए, मगर आशा वर्कर नहीं आगे आकर के हमारे ऊपर या हमारे साथ में जो काम करने वाले हैं वो लोग पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोग किसी भी काम को राजनीतिक तरीके से दृष्टि से देखेंगे। हमने इन लोगों से कहा भी कि आप एक आशा को ही लीडर बनाएं, एक आशा को प्रदेश में रखें, एक आशा को ज़िले में रखें, तो उन लोगों का ये कहना था नहीं, हमारी जो यूनियन है पहले से बने हुए लोग हैं वही रहेंगे, आप लोग तो केवल भीड़ में शामिल रहेंगे।
तो ये बात भी हमें समझ में नहीं आई कि हम भीड़ में शामिल रहेंगे तो हम कभी अपनी बात मंच पे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर तो पैदल हम चलते हैं ना। गाँव में आशा रात में डिलीवरी लेकर आशा जाती है, बाहर बैठे लोगों को कैसे पता होगा कि हमारी परेशानी क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए।